क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द आपका रामकृष्णा आपका मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है कोई उसके लिए करना है। तो यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो मेडिसिन यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, वहां कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। कहता है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 71,300 रुपीज कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को है तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सेवेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड, बोर्ड पे ध्यान देना, नोटिंग बाद में करना। आगे क्वेश्चन में देता है हमें सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन टोटल दे रखा है और अमाउंट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन 4799 जब थोड़ा अमाउंट कॉम्प्लिकेटेड गिवन हो आपको तो उसमें आप थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा सही से लिखना, जल्दबाजी में नहीं तो गलती होने के चांसेस वहां बढ़ जाता है। 10,000, 20,000, 30,000 है वो तो फटाफट लिख दो, लेकिन जहां ऐसा डिजिट देता है तो एग्जामिनर पेपर मुश्किल नहीं बना रहा, गलती करवा रहा है आपसे जानबूझ के। तो ऐसे में मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है, माइनस में, प्लस में, परसेंटेज में, कहीं भी हो सकता है। इसके बाद कहता है डोनेशन, अगेन डोनेशन 1,44,000, मैं नोट दूंगा इस पे बाय डोनेशन एंड डोनेशन इज रुपीज 1,45,000। चलिए इस पे स्टार नोट बनाएंगे। डोनेशन के बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 इनकम इन्वेस्टमेंट 7% इंटरेस्ट। इस पे भी स्टार बना लेते हैं, 70,000 है। चलो इस पे भी स्टार बना लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट वाला पॉइंट ना हमेशा भूल जाते हैं, इस बार नहीं भूलेंगे क्योंकि स्टार बना लिया है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो बाय प्रोसीड, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, सेल, सेल्स को प्रोसीड्स भी बोलते हैं। फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो, चैरिटी शो क्या होता है, कोई हमने शो किया होगा उसके अंदर कुछ टिकट्स वगैरह के पैसे आए होंगे। मेडिसिन, मेडिसिन का बहुत ह्यूज अमाउंट है तो खर्चा ही होगा भाई, क्योंकि हॉस्पिटल है तो मेडिसिन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन है तो अब मैं लिख नहीं सकता, अब मुझे कंजम्पशन निकालना पड़ेगा ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो इसके लिए एक अकाउंट बना लूंगा मैं, एक अकाउंट बना लेता हूं मैं और इस अकाउंट का नाम दे देता हूं मैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब देखना पड़ेगा भाई क्रेडिटर तो नहीं है यहां कहीं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और यहां पे टू बैलेंस बीडी पुट करूंगा और इधर बाय साइड में बाय बैलेंस सीडी और टू साइड में जो परचेज किया। तो ये जो पेमेंट साइड में दे रखा है ना आपको, ये परचेज ही है। ये जो 3,05,900 है ये परचेज है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि क्रेडिटर है नहीं, अगर क्रेडिटर होता तो पेमेंट होता, अगर क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर को पेड है, अगर क्रेडिटर नहीं है स्टेशनरी का तो परचेज है, और वो भी कौन सा परचेज, कैश परचेज। ठीक है, तो बाकी कैश परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लिख दिया और या मेडिसिन नहीं लिखते इसको परचेज लिख देते हैं। चलिए एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, सब्सक्रिप्शन भी है, स्टॉक मेडिसिन पे हो गया, एस्टिमेट इक्विपमेंट पे भी है, बिल्डिंग वैल्यू पे भी है, वो बाद में देखेंगे। डॉक्टर ऑनोरोनियम ये क्या होता है, डॉक्टर ऑनोरोनियम 90,000 ये एक्सपेंस होता है हमारा काइंड ऑफ। इसके बाद सैलरी कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, या है, नहीं है कोई एडजस्टमेंट, 275 मेन खर्चा लग रहा है मुझे तो इसका, ये डॉक्टर की सैलरी है ये। पेटी एक्सपेंस,
अब पेटी एक्सपेंस क्या होता है? पेटी एक्सपेंस एसेट्स होता है हमारा। पेटी एक्सपेंस क्या होता है? एसेट्स। क्या यहां पे एडजस्टमेंट में पेटी एक्सपेंस दे रखा है? अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ पेटी एक्सपेंस का नेचर क्या है, तो मेरे हिसाब से 90% बच्चे बोल देते हैं एक्सपेंस। कुछ 10% ही होंगे जिन्होंने ध्यान दिया हो तो एसेट्स होगा। पेटी एक्सपेंस देखो होता क्या है, जो हमारे ऑफिस में प्यून होता है उस प्यून को हम एक्स्ट्रा एडवांस में देते हैं, ये लो भाई 5,000। अगर कोई कस्टमर आए, 11th के पॉइंट अगर आपको याद हो, अगर कोई ग्राहक आता है तो उसके सामने बार बार मुझसे पैसे मत मांगना, मेरा इंसल्ट होगा उस टाइम पे, इंसल्टिंग फील करूंगा मैं। आपको मैंने 10,000 दे दिया, आप इसको धीरे धीरे इसमें से खर्चा करते रहना। तो मैंने 10,000 दे दिया, खर्च तो नहीं किया ना, मैंने बोला भाई मैं तुझे 10,000 दे रहा हूं पेटी एक्सपेंस का। बताओ अब जो मैंने पेटी एक्सपेंस पेड किया है एसेट से या एक्सपेंस है? अब उसमें से खर्च करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? खर्च। तो पेटी एक्सपेंस का नेचर अगर पूछा जाए तो वो क्या है हमारा? एसेट्स। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको पेटी एक्सपेंस दे रखा है इसने, और वो भी कितने अमाउंट का है? 4610। तो बहुत स्मॉल अमाउंट है, तो यहां पे हम एक्सपेंस ही मानेंगे। लेकिन माइंड में ये सोच लेना, कभी इसको एक्सपेंस नेचर मत बोलना है, इसका नेचर एसेट्स ही होता है हमेशा पेटी एक्सपेंस का। तो पेटी एक्सपेंस का देखते हैं क्या है हमारा। बाय साइड में एक्सपेंस है ना, तो टू साइड में आएगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो हमें कंज्यूम निकालना पड़ता। अब फर्स्ट ईयर में सीखोगे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में। 4610 इक्विपमेंट, एनी काइंड ऑफ, आपका कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो उसको हम इक्विपमेंट का नाम दे देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। तो हमें इसके अंदर ढूंढना नहीं है कि भाई ये क्या है, आपको इक्विपमेंट बोला गया है तो दैट्स इट, ये एसेट्स है। और जब कभी भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंफॉर्मेशन देगा तो ऑलवेज फॉर क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग के लिए नहीं देगा। तो इक्विपमेंट मैं लिख देता हूं इधर, और जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पे इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं इक्विपमेंट के आगे स्टार लगा के और मैं यहां परचेज लिख देता हूं। परचेज कितने का है? 1,50,000। इक्विपमेंट के बाद आगे देखा जाए तो क्या है? एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो। एक्सपेंस है भाई, इधर दिखा देते हैं। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, कुछ बुक्स में, कुछ टीचर, कुछ अलग अलग जगह पे उनका बोलते हैं कि भाई जितना आपने रिसीव किया है ना इसको यहीं से माइनस करके यहीं दिखाओ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इधर इनकम दिखा दो, इधर एक्सपेंस दिखा दो, ऑटोमेटिक माइनस वो हो गया है, ठीक है। लेकिन कई बार आप इलस्ट्रेशन वगैरह देखते हो, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें दिखता है सर चैरिटी शो में तो जो हो है उसी से माइनस होता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं, हम कर सकते हैं लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे, गलत नहीं है ये। कैश इन हैंड 37,750, 37,750। बैंक बैलेंस ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग भी दे रहा है और क्लोजिंग भी दे रहा है, तो सिंपल प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट है 2,400 रुपये। और साथ के साथ ओपनिंग एसेट्स भी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,400, साथ के साथ लेके चलेंगे। प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग वाला है 2,800, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग यहां लिख देता हूं 2,800। चलो एडवांस रिसीव पिछले साल का, एड ओपनिंग एडवांस, यहां एडवांस लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और कितने का? 640। एडवांस मतलब पिछले साल का लाइबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन 640। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। ₹1,000 क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस। अच्छा यहां मैंने प्लस लिखा, इधर ब्रैकेट डाल दिया, ये कह रहे हो? ठीक है, ये एरर था थोड़ा, इधर मैंने प्लस ही लिखा, वो गलती से एरर माइनस कर दिया। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन और ये ₹1,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो बड़ा ही आसान था। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस 8,810। ओपनिंग बैलेंस तो यहां भी तो होगा भाई स्टॉक। हाँ, 10 और 88,100। ये भी कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे होंगे क्वेश्चन में, जिससे आंसर नहीं आ रहा होगा। क्लोजिंग 97,400 भाई, क्लोजिंग है तो बैलेंस शीट में भी आएगा। स्टॉक किस चीज का स्टॉक है? मेडिसिन का। 97,400, 97,400। चलो ये भी कर लिया, यहां से कंज्यूम निकाल के बाद में लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो, एस्टीमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, स्टार्टिंग में मेरे पास इक्विपमेंट कितने का था? 2,12,000 इक्विपमेंट, 2 लाख। चलो ओपनिंग है तो फिक्स एसेट्स है 1 लाख, 2,12,000 टोटल होना चाहिए हमारे पास। 2,12,000 और 1,50,000, 3,62,000 यही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है क्लोजिंग में 3,16 है, मतलब डेप्रिसिएशन लगा है। यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया एग्जामिनर ने, लेकिन यहां डेप्रिसिएशन, आप खुद सोचो, 3,62,000 रुपए का जो हमारे पास होना चाहिए वो 3,16,000 का कैसे हो सकता है? तो डेप्रिसिएशन लगा होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? माइनस कर देंगे, 46,000 आ रहा है, 46,000 का कुछ डेप लगा होगा। और ये कर लिया मैंने कितने का? अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा कैलकुलेशन, इतना लेंदी, नहीं, आप इक्विपमेंट लिख के 316 लिख दो, झंझट खत्म। और ये कैलकुलेशन कहीं बाहर कर सकते हो आप, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। आप सीधा लिखो ओपनिंग में ये था, क्लोजिंग में ये था, दैट्स इट। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि सामने कैलकुलेशन हो गया, कोई गलती नहीं होगा, आप बाहर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए, ऐसे बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग कितने का था? 4 लाख। अरे बिल्डिंग है 4 लाख रुपए, तो क्लोजिंग में भी बिल्डिंग आ गया। अब देखो इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 3,80,000, इस पे डेप्रिसिएशन है या नहीं है? है। और डेप्रिसिएशन इधर दिखाएंगे, दोनों का डेप्रिसिएशन दिखाना भूल गया, तो इसको ऐसे डेप्रिसिएशन लिख के आप, और नीचे मैं लिख देता हूं इक्विपमेंट और लिख देता हूं बिल्डिंग, इस पे 46,000 और इस पे, और ऐसे 66,000, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, अपने जो भी तरीका लगे दिखा दो। चलो सारा इंफॉर्मेशन हमने कर दिया, अब देखते हैं कुछ स्टार वाला पॉइंट रह गया है नहीं रह गया। सारा एक डोनेशन पे नोट्स देना है, चलो ये नोट तो आप दे दोगे, इसके नोट भी है इस पे। अब देखो क्वेश्चन कहता है, अब समस्या ये है मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं और ब्याज आ रहा है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं और ब्याज आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हमें इंटरेस्ट की मदद से इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के हेल्प से इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाए? आपको पता है कि 7,000 रुपए जो है, 70,000 रुपए जो है, वो 7% के बराबर, तो डिवाइडेड बाय 7 × 100, यानी यहां पे 7,70,000 था या 7,000 था, चेक करो एक बार। अच्छा 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपए का क्या आ गया? हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ऐसा कर सकता है एग्जामिनर, अगर मान लो मैं बोलता यहां पे फुल ईयर लिखा है साथ में, मैं लिखता हाफ ईयर, तो मैं लिखता 100 डिवाइडेड बाय 3.5, रेट को आधा करता। 2 से किसको डिवाइड करता मैं, बताओ? आपने अभी कुछ ने बोला कि 2 से किसको करने की बोल रहे थे, 2 से डिवाइड, अब बताओ तो, कुछ तो बोला था 2 से डिवाइड। आप जब आप रेट को डिवाइड 2 से, अगर अगर इसको 1/2 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो इसने थोड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया,
लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट को स्किप कर जाते हैं। इंटरेस्ट लिख दिया, हाँ इनकम है लिख दिया, सारा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट कैसे, और पूरे साल का मिला है तो शुरू में भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो शुरू में इन्वेस्टमेंट होगा तो कितने का होगा, 10 लाख, और शुरू में है तो लास्ट में थोड़ी ना चला जाएगा ये। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ब्याज मिला या नहीं मिला या मिलने वाला है? मिल गया, जब भी तो रिसिप्ट साइड में है, अगर रिसिप्ट साइड में दे रखा है तो मिल चुका है, बस और कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, कोई और पॉइंट तो बचा नहीं है। अब यहां से निकाल लेंगे सिंपल, कंज्यूम इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट, बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन आया जो कि कॉमन है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट तभी ऐड करते हैं जब हमें नहीं मिलता है, लेकिन जब पेमेंट साइड रिसिप्ट साइड में दे रखा है तो 100% मिल चुका है, तो अब हम ऐड नहीं करेंगे। और कोई सा रीजन है कि जब हम इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं, और कोई सा रीजन है? देखो, एक तो मैंने बोल दिया अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कोई सा रीजन है जब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाए? बताओ कोई एक रीजन बताओ। बुक से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा, देखते हैं नॉलेज क्या है आपकी। मैंने बोला रिसीव हो चुका है, नो डाउट यहां लिख दिया, लेकिन एक आपने बोला एक्रूड है तब आएगा, एक और रीजन बता दो, रिसीव भी नहीं हुआ और एक्रूड भी नहीं हुआ, तो बताओ क्या ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा इंटरेस्ट, एक्रूड भी नहीं है और रिसीव भी नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप बताओ ना, रिसीव है, मैं बोल रहा हूं देखो रिसीव नहीं हुआ एसेट्स में दिखाएंगे, ये मुझे भी पता है आपको भी पता है, रिसीव हो गया इनकम में आ गया और इधर कैश में जुड़ चुका होगा जो कि हमें नहीं पता चल रहा, छोड़ दो, अब रिसीव भी हो चुका है, ठीक है, तब भी मैं चाहता हूं कि इसको मैं दिखाऊं किसमें, इन्वेस्टमेंट में, बताओ ऐसा कौन सा रीजन है? नहीं, इस साल की बात कर रहा हूं मैं। देखो इन्वेस्टमेंट ना बहुत तरीके के होते हैं, आप जब घर पे कोई एजेंट आता है ना तो मल्टीप्लायर प्लान भी होता है कि हम क्या करते हैं, कि रेकरिंग डिपॉजिट, सुना होगा आपने रेकरिंग डिपॉजिट, बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा अगर 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी है तो, रेकरिंग डिपॉजिट वहां टाइप ऑफ अकाउंट्स था उसके अंदर रेकरिंग डिपॉजिट होता है, उसमें क्या होता है, हम 100 रुपए जमा करते हैं, इंटरेस्ट जुड़ के मल्टीप्लाई 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 हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता इन्वेस्टमेंट इन रेकरिंग नेचर तो आपको इंटरेस्ट यहां पे दिखाना पड़ता, क्योंकि उस केस में इंटरेस्ट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जाता है वो, जिसे हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट, और अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा, दोनों पे, दोनों को ऐड करके, तो उसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर करेगा नहीं। अब इसका टोटल कर लें सिंपल, इसका टोटल देखते हैं क्या है, 4,799,60 माइनस 2,400 प्लस 2,800, 4,80,000। देखो डिजिट कितना अलग दे रखा था लेकिन एकदम सीधा डिजिट आ गया है, तो 4,80,000, 1,45,000, 70,000, 7,99,500, 7,99,500 यहां आ जाएगा टू साइड में सरप्लस, और इसके आगे बैलेंसिंग फिगर -90,000, -275, 4,610, ये आ रहा है मेरा 356,390, चेक करो आंसर क्या है बुक का, देखो एक बार। अच्छा कंज्यूम तो निकालना ही भूल गया मैं, 394, कोई बात नहीं अभी निकाल लेते हैं, टू नाइनटी सिक्स, ये लोग टू मेडिसिन, 296, 600। अब ऐसे करने का दोबारा टोटल थोड़ी करूंगा, इसी में से माइनस कर दूंगा मैं, यार डेफिसिट आ गया, नहीं सही है,
59790, चेक करो। चलो ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पहले कैपिटल फंड और इसमें प्लस सरप्लस 59790, यहां से निकल जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ऑल्दो मैं इसको ना यहां पे माइनस प्लस करके दिखा सकता था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके, लेकिन आपकी इच्छा है आप बाहर दिखाओ या जैसे मर्जी करो, आपकी ऊपर डिपेंड करता है। वो 2,12,000, 17 लाख कैपिटल फंड तो बहुत ज्यादा आ गया। -640, देखो कैपिटल फंड 1773160, 1773160 प्लस 59790, 1832950, बस 1,000 ऐड करते हैं, 1833950, 3,16,000। बिल्कुल सेम आंसर दोनों साइड। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे यूनिक क्या था, डेप्रिसिएशन रेट नहीं था तब भी डेप्रिसिएशन निकला। दूसरा पॉइंट क्या सीखने को मिला, इंटरेस्ट दे रखा था हमने पूरे साल का, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। बस इसके अंदर ये दो पॉइंट था जो आपको परेशान कर सकता था, बाकी तो सारा पॉइंट मेरे हिसाब से सिंपल ही है। चलिए नोट करिए। अब आप 1832950,